मैं आर्ट का वर्क करती हूँ, सारा प्रोडक्ट बनाती हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ और हैंगिंग बनाती हूँ। तो मेरा बेसिकली रिव्यू ये है कि जैसे मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, मैं पहले से 7 साल से काम कर रही हूँ, रील्स बनाना सब कुछ मैं बनाती हूँ, बट यहाँ पे आने के बाद मैं बहुत कुछ सीखी जो मुझे भी नहीं पता था कि कैसे शूटिंग करते हैं, फोटोशूट कैसे लिया जाता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रैवल बाई विद सिंटू सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को रील्स बनाना सिखाया। बहुत सारी लेडीज़ थी जिनको इवन इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने भी नहीं आता था, तो कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, 1-to-1 जाके उन्होंने सिखाया। बाकी सारे भी जो भी मेम्बर्स आए थे वो भी बहुत अच्छे थे, सब लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाया, समझाया, हर चीज़ को डिटेल में बताया। कि आशीष सर थे ना, आशीष सर भी बहुत अच्छे से वो बताए कि हम अपने गूगल पे कैसे ऐड करेंगे, हमारे जैसे वीडियो हम लोग बनाते हैं तो जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं उसको हम लोग किस नाम से सेव करेंगे तो भी हमारा जो वीडियो का पॉपुलैरिटी है वो भी बढ़ता है। जैसे कि फाइल नेम हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते थे कि किस नाम से सेव कर रहे हैं, बस जनरली 1, 2, 3, 4 करके हमारा सेव रहता था। तो उससे क्या होता है कि गूगल पे हमारा वीडियो नहीं दिखता है, तो हैशटैग, हाँ हैशटैग तो है, वो सेव करने के लिए बताया था कि फाइल नेम किस नेम से, हाँ रीनेम करना, फाइल को रीनेम, वीडियो का रीनेमिंग बताए थे, हाँ वो जरूरी है, हाँ वो जरूरी है, हाँ पोस्ट करने के लिए मंडला आर्ट _ पटना _ बिहार ऐसे अगर कुछ हम डालेंगे सेव करेंगे तो जैसे गूगल सर्च में वो आ जाएगा, वो अपने आप ये तो किसी को भी नहीं पता था, ये बिल्कुल न्यू चीज था, बहुत नया चीज था, हाँ हाँ ये सब लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग सीखे यहाँ पे आने के बाद। सर्टिफिकेट तो चलिए यूज के लिए बाद में आएगा, लेकिन सर्टिफिकेट हमारा मोटिव नहीं था, हमको सीखना था, इसलिए थैंक यू सो मच।